यूपी के सीतापुर लॉकडाउन की ड्यूटी के दौरान एक सिपाही ने बीच सड़क पर दरोगा की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पिटाई के दौरान सिपाही ने दरोगा को कई थप्पड़ भी मारे। इस घटना का वीडियो गाड़ी सवार एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर और वायरल कर दिया। पूरे मामले को लेकर दरोगा ने सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एसपी एलआर कुमार ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। ये मामला कोतवाली इलाके के आरएमपी चौराहे का बताया जा रहा, जहां दरोगा रमेश चौहान और सिपाही राम आसरे की ड्यूटी लगी थी। वाहनों की चेकिंग के दौरान दरोगा और सिपाही में कहासुनी हो गई और बात इतनी बड़ी कि सिपाही ने हायरार्की को ताक पर रखते हुए दरोगा की पिटाई शुरू कर दी। बाकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सुल्तानपुर जिले में जिलाधिकारी सी इंदुमती स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मोती गरपुर ब्लॉक पहुंची। आपको बता दें कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के मामले में पीड़ित के पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया है, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। सुल्तानपुर जिले में दूबेपुर इलाके के रामपुर गांव में कई जगहों पर बेमौसम ओलावृष्टि होने से फसलें नष्ट हो गईं। इस ओलावृष्टि में बंद गोभी, लौकी, टमाटर और तरोई जैसी फसलें पूरी तरह खराब हो गईं। इस बर्बादी के बाद से दर्जनों किसान मानसिक तनाव में आ गए हैं। आपको बता दें कि लेखपाल और जिला पंचायत सदस्य श्याम बहादुर पांडे ने मौके पर पहुंचकर बर्बाद हुए खेतों का जायजा लिया। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर तहसील इलाके में मौजूद सरस्वती बाल विद्या मंदिर के प्रिंसिपल युधिष्ठिर पांडे ने ग्रामीणों और राहगीरों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इसी के साथ उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और सफाई कर्मियों का सहयोग करें। सुल्तानपुर जिले के बल्दीरा इलाके में मोहम्मद सम्मो और पप्पू ने संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीणों और राहगीरों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इसी के साथ सम्मू ने ग्रामीणों और राहगीरों से हाथ जोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। अयोध्या जिले में गैस की सप्लाई कर रहे कर्मचारियों को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा देने की योजना बनाई है। योजना के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी कोरोना के संक्रमण से मरता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ शशि एजेंसी के मालिक रामू प्रियदर्शी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। बहराइच जिले में कैसरगंज थाने के उप निरीक्षक सतीश कुमार गुप्ता ने मोहम्मद इमरान शेख को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर पीएम मोदी और सीएम योदी समेत कई नेताओं की अश्लील और अपमानजनक फोटो पोस्ट की थी। जांच के दौरान आरोपी के फोन से कुछ आपत्तिजनक पोस्ट भी मिले हैं। वाराणसी जिले के पंडित दीनदयाल अस्पताल से कोरोना के 11 मरीजों को छुट्टी मिल गई। इन सभी ने अपने आत्मबल से कोरोना को हरा दिया। इस मौके पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी को माला पहनाकर सम्मानित किया। वाराणसी जिले के सिगरा थाना इलाके में एसपी के निर्देश पर जिले के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आने वाले थानों और चौकियों पर 300 मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। ये मास्क और सैनिटाइजर इसलिए बांटे गए हैं ताकि हॉटस्पॉट इलाकों में ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी भी अपनी सुरक्षा कर सकें। आजमगढ़ में सरायमीर के खेरवा मोड़ पर पुलिस और भी ज्यादा मुस्तहद हो गई। खेरवा मोड़ के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दर्जनों गाड़ियों के चालान काटे, तो वहीं दूसरी तरफ खास सरायमीर में धड़ल्ले से लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। चंदौली जिले के जलीलपुर पंचायत भवन के बैंक में लगे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय डाक सेवा की तरफ से कैंप लगाया गया। आपको बता दें कि इस कैंप में लगे कर्मचारियों ने ग्रामीणों को उनके खाते से पैसे निकालने में मदद की। इस काम में प्रकाश, पंचायत भवन कर्मचारी उमा शंकर मौर्य और डाक सेवा कर्मचारी ब्रजेश कुमार ने अपना पूरा सहयोग दिया। चंदौली जिले के थाना बलुआ इलाके के डेरवा गांव में दबंग ठाकुर गुड्डू सिंह ने रिहायशी इलाके में मुर्गी फार्म खोल रखा है। और तो और, मुर्गी फार्म की दीवारें मोहल्ले के घरों से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार थाने पर शिकायत करने के बावजूद आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। मुर्गी फार्म से आने वाली बदबू से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शाहजहांपुर के तहसील पुवाया के गांव लक्ष्मीपुर में रहने वाली निर्मल कौर ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। महिला के पति सरदार गुरमीत सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें 70 किलोमीटर दूर अस्पताल में अपनी पत्नी को भर्ती कराना पड़ा। परिजनों के मुताबिक 3 बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी है। बच्चों के पैदा होने के बाद परिजनों ने पूरे अस्पताल का मुँह मीठा कराया। शाहजहांपुर जिले में अब तक सिर्फ एक ही मामला सामने आया था, जिसे समय रहते ही ढूंढकर तुरंत क्वारंटाइन कर दिया गया, जिसके बाद अब उस मरीज की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आ चुकी है। इतना ही नहीं, इस शख्स को अस्पताल पहुंचाने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को बार बार सैनिटाइज कराया और 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग भी की गई। लखीमपुर खीरी जिले में कोतवाली मोहम्मदी के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी के नेतृत्व में वरिष्ठ उप निरीक्षक अमरनाथ राय, उप निरीक्षक कुपेंद्र सिंह और पवन सिंह ने वली अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने वली अहमद को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। रामपुर जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने शहर के ज्वाला नगर, मिस्टनगंज और राधा रोड समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने राहगीरों से पूछताछ कर उन्हें घरों में रहने के सख्त निर्देश भी दिए। इसी के साथ बिना पास के वाहनों का भी चालान काटा गया।
रामपुर जिले के थाना शहजाद नगर परिसर में सीओ केमरी, उप जिलाधिकारी बिलासपुर, उप जिलाधिकारी मिलक और ईओ नगर पंचायत ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी त्योहार रमजान को घर में ही मनाने की अपील की गई। रामपुर जिले में किसान सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन मुस्तफा हुसैन ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को एक निवेदन पत्र लिखा। उनकी मांग है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे तांगा और रिक्शे वालों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने गरीबों की आर्थिक सहायता करने और कोरोना के विरुद्ध उठाए जाने वाले सख्त कदमों के लिए जिला प्रशासन की सराहना भी की है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपान नगर थाना इलाके में थ्रेशर मशीन के संपर्क में आने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। दरअसल अंबाडा गांव में शंकरपुरा के पास मजदूर हेम सिंह थ्रेशर मशीन से गेहूं निकालने पहुंचा था। गेहूं निकालते वक्त अचानक ही उसका हाथ थ्रेशर मशीन में फंस गया और मशीन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। हादसा होते ही थ्रेशर संचालक मौके से फरार हो गया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने लाश को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मजदूर हेम सिंह की मौत हो चुकी थी। खंडवा जिले के कई गांव में कोरोना संक्रमण मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। मरीजों के मिलने की सूचना के बाद बोरगांव बुजुर्ग पुलिस चौकी से लेकर हर गली को फिर से सैनिटाइज किया गया। इस काम में बोरगांव बुजुर्ग के सचिव रंजीत राठौर ने अपना पूरा सहयोग दिया। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। खंडवा जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित 8 मरीजों की लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये कोरोना विजेता जैसे ही अस्पताल के बाहर निकले तो वहां मौजूद डॉक्टर्स और मीडिया कर्मियों ने सभी को फूलों की माला पहनाई। मीडिया से मुखातिब होते हुए मरीजों ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ की।